एक्सरसाइज 4.2 में है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि हमें बिना डिवाइड के ये पता करना है कि क्या वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे अभी पिछली एक्सरसाइज में हुआ था 4.1 में, जब हमें फैक्टर निकालना था, तो मैंने आपको बताया था कि 24 जो है वो 2 के टेबल में आ जाएगा, बिना मैंने डिवाइड किए बता दिया था, क्योंकि इसका एक तरीका होता है जिससे हमें बिना डिवाइड किए पता चल जाए कि वो किसी नंबर, किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता, यानी उसे डिवाइड हो जाएगा या नहीं। इसको चेक करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला, 2, अगर हमें ये देखना हो कि क्या कोई दिया गया नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं बिना डिवाइड किए, तो उसके लिए हमें सिर्फ उसका यूनिट डिजिट यानी कि वंस की डिजिट देखनी होती है, बस वंस की डिजिट। मान लीजिए ये नंबर है और मुझे ये बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो उसके लिए बस मुझे वंस की डिजिट देखनी है, सिर्फ वंस की। वंस की प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक है तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, पहला, और वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, इवन नंबर भी आपको पता चल गया, जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, मतलब इनमें से कोई भी एक, तो वो नंबर इवन नंबर कहलाता है, और इसके अलावा कोई और डिजिट होती है तो वो ओड नंबर कहलाता है, और जिनके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट जिसमें ये हो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है 3, अगर हमें ये देखना है कि क्या कोई दिया गया नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमें जो नंबर दिया गया है उस नंबर के सारे डिजिट्स को प्लस करना होता है। जैसे कि अभी ये नंबर है, हमें ये पता करना है कि क्या ये 3 की टेबल में आता है या नहीं, तो हम इन सभी को प्लस करेंगे। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 निकल के आया आंसर। अब हमें ये देखना है कि क्या 17 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो नहीं आता, हमें पता है नहीं आता। 17 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिस तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है, उसी तरीके से सेम 9 का भी है, सेम बिल्कुल वही है। अगर हमें देखना हो कि क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम पहले इन सबको ऐड करेंगे। 17 आया, 17 9 के टेबल में नहीं आता है, 17 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 और 9 का सेम है। 2, 5 और 10 का सेम है, यानी इन तीनों के लिए हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है, जैसे 2 के लिए यूनिट डिजिट पे ये सब होना ज़रूरी है, इसी तरह 5 के लिए अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है तो यानी कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 5 का टेबल अगर आप पढ़ो तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे 5 और 0 दिखाई देगा, 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरीके से 5 या 0 होगा तो 5 से डिवाइड है, अदरवाइज नहीं। 10 के लिए सबसे सिंपल, सिर्फ 0 होना चाहिए, लास्ट में अगर 0 है यानी कि वंस डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। 4 और 8 का बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है। अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमें उसके लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट ही कह लो या शुरू के दो डिजिट, जैसा आपको सही लगे, यानी कि वंस और टेंस के डिजिट, वंस और टेंस के डिजिट हमें देखनी होती है। ये नंबर अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, 56 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 56 4 के टेबल में आता है, या फिर ये कहें कि 4 का मल्टीपल है ये 56, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाता। सेम इसी तरीके से 8 का है, लेकिन 8 के लिए हमें 3 डिजिट देखनी होती है, 4 के लिए हम 2 डिजिट देखते हैं और 8 के लिए हम 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अब है 6, 6 के लिए हमें क्या करना है, 2 × 3 = 6, ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करके आया है 6, तो इसका मतलब हमें 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होती है और इसी तरीके से 3 की, जैसे कि अभी बताई गई है, जिस तरीके से 2 का देखते हैं उस तरीके से देखेंगे, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से देखेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जैसे यहाँ बताया गया है, अपने अपने मेथड से। अगर ये नंबर, वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही पास हो गया है
तो इसका मतलब वो सिक्स की टेबल में आएगा या सिक्स से डिवाइड हो जाएगा। अगर टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो थ्री से देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दोनों से यस चाहिए। अगर टू टू में ही नो आ गया तो थ्री की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये हो गया सिक्स का। अब है इलेवन में, लास्ट में बताती हूँ, ट्वेल्व और फिफ्टीन। वैसे चैप्टर में ट्वेल्व और फिफ्टीन आया नहीं है, इसलिए एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ट्वेल्व के लिए जिस तरीके से अभी सिक्स के लिए हमने टू और थ्री से चेक किया, इसी तरीके से ट्वेल्व के लिए हम थ्री और फोर दोनों से चेक करेंगे। यानी पहले थ्री वाला मेथड अप्लाई करेंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे, और फिर फोर वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि हम दो डिजिट देखेंगे वंस और टेंस वाली। दोनों से यस है तभी ट्वेल्व से यस होगा। अगर थ्री पे ही रुक जा, थ्री पे ही मान लो नहीं आया कि थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फोर से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फिफ्टीन के लिए थ्री फाइव से फिफ्टीन होता है, क्योंकि तो एक बार थ्री से चेक करेंगे, थ्री से यस आता है तो फाइव से चेक करेंगे। जब दोनों से ही यस आएगा यानी दोनों की टेबल में वो नंबर आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो नंबर फिफ्टीन से भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत है नहीं। अब आया है इलेवन। इलेवन को मैं डिस्क्राइब करूँगी क्वेश्चन में ही, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन द नंबर्स डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। इन सभी दिए गए नंबर में उन नंबर को अंडरलाइन करो जो कि गिवन नंबर से यानी दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि हमारे पास हर क्वेश्चन में तीन तीन पार्ट हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, सब में तीन तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। और चेक करना है, इस वाले क्वेश्चन में चेक करना है थ्री से डिविजिबिलिटी, इस वाले क्वेश्चन में चेक करना है एट से, इस क्वेश्चन में फाइव से, इस तरीके से हमें चेक करना है। तो इसमें कहा तो सिर्फ यह है कि सिर्फ अंडरलाइन करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको लिखकर बताया। पहले मैं आपको ओल्डली बता देती हूँ, फिर आप लिखने का मेथड देख सकते हैं। अगर हमें यह देखना है कि क्या ये नंबर थ्री के टेबल में थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको सभी डिजिट को ऐड करना है। थ्री और फोर हुआ सेवन, सेवन और थ्री टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन। इस नंबर को ऐड करके आया सिक्सटीन, और सिक्सटीन थ्री के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर थ्री से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हो गया नौ, फोर टू सिक्स, सिक्स और नाइन फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन थ्री के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर थ्री से ही डिवाइड हो जाएगा। सिक्स और एट होता है फोर्टीन, फोर्टीन और सेवन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू सिक्स थ्री के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी थ्री के टेबल में नहीं आएगा। तो इन तीनों में से सिर्फ यही नंबर है जो थ्री से डिविजिबल है। अब इसे लिखने का मेथड, सम, बस ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट का सम निकालेंगे पहले। तो थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स, इस तरीके से आया सिक्सटीन। सिक्सटीन इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, सिक्सटीन तीन से डिविजिबल नहीं है। सो द नंबर दिस 3436 इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, इसलिए ये जो नंबर है 3436 ये तीन से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट का सम हमने किया 20 बनाया, 21 इज डिविजिबल बाय थ्री, 21 तीन से डिवाइड हो सकता है। सो इसलिए द नंबर 4296 इज डिविजिबल बाय थ्री, इसलिए 4296 तीन से डिविजिबल है। इसी तरीके से इसका थर्ड भी देखेंगे, थर्ड पार्ट। तो ये हो गया थ्री की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है एट। एट के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट की तीन डिजिट हमें देखनी है, लास्ट थ्री डिजिट्स ये। तो जब हम एट से डिवाइड करेंगे इसको, ये दो जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, एट वन ज़ा एट, यानी पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो उसका मतलब ये नंबर एट से डिवाइड हो सकता है। इसकी तीन डिजिट हम देखेंगे, तो ये नंबर तो एट से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये है ओड नंबर। मैंने अभी बताया ओड नंबर कौन से होते हैं, एट इवन नंबर है। इवन नंबर के टेबल में कभी भी ओड नंबर नहीं आ सकता, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। बचा 710 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। और पूरा डिवाइड ना होने का मतलब है कि ये नंबर ही पूरा 8 के टेबल में नहीं आएगा। इसे लिखने का मेथड, द नंबर ऑब्टेंड बाय द लास्ट थ्री डिजिट्स, यानी लास्ट की तीन डिजिट से जो हमें नंबर प्राप्त हुआ वो है 008। 008 इज डिविजिबल बाय 8, 008 8 से डिविजिबल है।
सो द नंबर, यानी जो नंबर हमें दिया गया है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट से हमें जो नंबर प्राप्त हुआ वो है 345। 345 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, 345 8 से डिविजिबल नहीं है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये जो नंबर संख्या में दी गई है क्वेश्चन में वो 8 से डिविजिबल नहीं है। चाहे तो आप यहाँ नंबर मेंशन कर सकते हैं। 5 के लिए मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट देखनी है, तो 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो सकता है। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। इसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। वंस डिजिट इज 5, वंस की डिजिट इसकी 5 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए नंबर 5 से डिविजिबल है। वंस डिजिट इज 0, इसकी वंस डिजिट 0 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए नंबर 5 से डिविजिबल है। वंस डिजिट इज 9, इसकी वंस की डिजिट 9 है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इसलिए नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। डी है, 4 से चेक करना है। 4 से चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट के दो नंबर, जिस तरीके से हमने 8 का चेक किया, 8 के लिए हमें लास्ट के 3 नंबर चाहिए थे, 4 के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर चाहिए सिर्फ, 41 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। 32 4 के टेबल में आता है, इसलिए ये 4 से डिवाइड हो सकता है। 01 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा। लिखने का मेथड बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 8 का लिखा था, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट से हमें जो नंबर प्राप्त हुआ वो है 41, 41 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 41 4 से डिविजिबल नहीं है, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए 4 से नंबर डिविजिबल नहीं है। और अगर डिविजिबल है तो इज डिविजिबल और नहीं है इज नॉट डिविजिबल, बस हमें इतना ऐड करना है। अब है 6, पहले आप 6 का देख लीजिए, फिर मैं 11 का बताती हूँ आपको। 6 है, 6 के लिए मैंने बताया था 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 से चेक करने के लिए क्या बताया था, यूनिट प्लेस आपको देखनी होती है, बस यूनिट की प्लेस पे 1 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमें 3 से देखना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमें दोनों से ही यस चाहिए होता है, और अगर पहले में ही नो आ गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वंस डिजिट इज नॉट इवन नंबर, वंस की जो डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये नंबर इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, सो 66011 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इसलिए ये जो नंबर है 66011 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी लिखेंगे वंस डिजिट इज नॉट एन इवन नंबर, वंस की जो डिजिट है वो एक इवन नंबर नहीं है, जब इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, और 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब 6 से तो बिल्कुल नहीं होगी। इसका थर्ड पार्ट है, वंस डिजिट इज एन इवन नंबर, इसका जो वंस डिजिट है वो एक इवन नंबर है, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब ये 2 से डिविजिबल आ चुका है, अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट का सम आया 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, 21 3 से डिविजिबल है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये पूरा नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये पूरा ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 सा 6, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, बस हमें ये करना है, ठीक है। अब है फाइनली 11, इलेवन से देखो किस तरीके से हमें देखना है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उन डिजिट्स का सम निकालना है जो इवन प्लेसेस पे है। इवन प्लेसेस से मतलब है, देखो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। इवन नंबर मैंने बताया, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, ठीक है। इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन होते हैं। इसके अलावा जो बचे 1, 3, 5, 7, 9, ये ओड होते हैं, ठीक है। तो जो इवन प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे है, पहले उनको ऐड कर लेंगे,
और फिर जो ओड प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर लेंगे। ये या तो इस तरीके से समझ लो या फिर एक एक नंबर छोड़कर, बस इतना याद रखो कि एक एक नंबर छोड़कर ये और ये, 1, 2 और 3। तो 1 जो है वो 6th प्लेस पे है और ये इवन नंबर है, तो यानी कि हमें इवन प्लेस पे वाले नंबर मिल गए हैं 1, 2 और 3। 1, 2, 3 को ऐड किया, 6 आया, ठीक है, ये काम हो गया। अब ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस यानी कि पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवे नंबर पे, सातवें नंबर पर, ठीक है। अब इसको छोड़कर हमें अब ये बचा 1, 3, 7, 1, 3, 7, इनको ऐड किया 11। अब जो ऐड करके आया है इवन प्लेस वाले को और ओड प्लेस वाले को ऐड करके जो आंसर आया है उन दोनों को माइनस करते हैं, माइनस में आया 5, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। यानी कि माइनस करके एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 का मल्टीपल हो, यानी कि वो नंबर 11 की टेबल में आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल माना जाएगा, या फिर 0 आना चाहिए। माइनस करके अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करके या तो ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में आता हो या फिर 0 मिले, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको एक एक नंबर छोड़कर ऐड करना है, ठीक है। पहले आपने 1 में 2 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया, आगे कोई नंबर है नहीं, इसको ऐड कर दिया। अब इसके अलावा जो नंबर बचे हैं उनको ऐड कर लो और फिर उनको माइनस करो, बस माइनस करके 11 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार और देख लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस से याद रख लो, इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से, ठीक है। इवन नंबर यानी कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर, बस इतना याद रखिए। तो इवन प्लेस यानी कि हम सेकंड से शुरू करेंगे, 2 और 4, इसके अलावा ना इधर कुछ है ना यहाँ कुछ है, तो 6 और 8 को प्लस करेंगे, 14 आ गया। इसके अलावा बचा 5, 7, 9, 5, 7, 9 को ऐड करेंगे, 21 आया। और अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे, 7 आएगा। 7 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इवन प्लेस वाले नंबर का सम, इवन शुरू हो गया यहाँ से 1 और 8, 1 और 8 को ऐड किया, 9 आया। अब ओड प्लेस वाले यानी 3, 0 और 6, इन 3, 0, 6 को ऐड किया, 9 आया। अब इन दोनों को माइनस किया, माइनस किया, डिफरेंस आया 0। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने बताया या तो माइनस करके हमें 0 मिले या फिर 11 का कोई मल्टीपल मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 से चेक करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 और 8 दोनों से चेक करनी है। तो जिस तरीके से यहाँ मैंने बताई है बिल्कुल वही मेथड, उसी तरीके से आपको लिखना है। 11 से चेक करने के लिए पहले आप इवन प्लेस वालों को ऐड करेंगे, जैसे कि ये नंबर दिया गया है, अब तो इवन प्लेस पे ये 6 और ये 6 आया, ओड प्लेस पे ये 6 और ये 6 आया, ठीक है। ऐड किया 12, 12 में से 12 माइनस किया 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है इवन प्लेस वाले में ये वाला 5 और ये वाला 5 आया, 5, 5 हो गया 10। अब ये 5 0 और ये 5 ऐड किया, फिर आया 10, ये आया 0, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। ये हो गया 11 के लिए, और वेरीफाई भी करना है आंसर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ वेरीफाई करके नहीं बताया, आपको भी नहीं करना है, बस इतना छोड़ दीजिए। वेरीफाई क्या करना था, बस डिवाइड करके देखना था। जैसे अभी मैंने ये बता दिया कि ये मैंने बिना डिवाइड के बता दिया कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें डिवाइड करके दिखाना था कि ये देखो ये हो रहा है, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। लेकिन ये वाला स्टेप स्किप कर दिया है, ये नहीं करना आपको। 6 से भी इसी तरीके से जैसे यहाँ बताया गया सेम वैसे ही है, 4 से जिस तरीके से यहाँ बताया गया बिल्कुल वैसे ही है, और 8 से भी जिस तरीके से यहाँ बताया गया बिल्कुल ही वैसे ही है, ठीक है।